हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ब्रिशा ब्लॉग्स। और आज हम लोग निकल रहे हैं चौक के लिए, लेकिन यार बाद में ना याद आया कि चौक तो आज बंद रहता है। तो रेडी हम लोग मार्केट करने के लिए हुए थे, लेकिन याद आया कि चौक संडे को बंद रहता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग खुशरूबाग जाएंगे और वहां जाएंगे और वहां पर कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे, कुछ वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी क्यों ना थोड़ा सा दिखा दिया जाए। वैसे तो जो लोग इलाहाबाद के निवासी हैं वो तो कई बार गए होंगे और वो कितना इम्प्रूव हो गया है खुशरूबाग, अब ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन अब हम लोग आज जाने का मौका हम लोगों को मिला है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा वहां पर अब बन गया है। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं खुशरूबाग के मेन गेट पर और बहुत बड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है खुशरूबाग प्रयागराज। स्टेशन की तरफ जब आप आएंगे तो आपको रास्ते में ही ये मिल जाएगा। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है यहाँ पर, और अभी ना हम लोगों के साथ इसी वीडियो में ना एक ट्रेजेडी भी हो जाती है यहाँ पर जब हम लोग घूमने आए हैं उसी के साथ ही, क्योंकि मैं आपको भी आगे बताऊंगी। यहाँ पे एक बच्चा ना यहाँ खिड़की से देख रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ये देखिए साइड साइड में ना पेंटिंग्स बन गई हैं, तो अब काफी अच्छा हो गया है। व्हील चेयर भी एक्सेसिबल हो गया है यहाँ पर, देखिए आप साइड में बना हुआ है। तो जो लोग स्टेयर से नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर का भी है कि आप अगर हवा लेना चाहते हैं, यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है यहाँ पर, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर। हम लोग जब इससे पहले यहाँ पर आए थे तो इतना कुछ नहीं बना हुआ था, लाइक इतनी ग्रीनरी नहीं थी, इतनी चेयर्स नहीं थी और इतने पेड़ नहीं थे। और अब तो काफी ज्यादा बन गया है और जगह जगह पर ये ना इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स भी बन गए हैं जिसपे सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। ओपनिंग होती है इसकी सनराइज के साथ और क्लोजिंग होती है सनसेट के साथ। तो जिनको भी आना है वो इसी टाइम पे आइए, रात को ये बंद होता है, रात को नहीं खुलता है। और यहाँ पर ये वेट मशीन रखी हुई है, तो अगर आप 5 रुपए दे के वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप ये चेयर्स देख रहे हैं साइड साइड पे जो लगी हुई हैं, ये सब अब लग गई हैं, सामने सामने चेयर्स लगी हैं। मतलब 4-5 लोग का ग्रुप अगर आपका आता है तो आप आराम से यहाँ पर बैठ कर बात कर सकते हैं, बिजनेस मीटिंग डिस्कस कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है यहाँ पे, कोई भी टिकट नहीं है आपके लिए। और ये एरिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है खुशरूबाग का, ये जो है ना साइड साइड पूरे पेड़ हैं और बीच में एक रोड बनाई हुई है, ये मुझे पर्सनली ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में अब हम लोग एंटर करने वाले हैं जहाँ पर मकबरा बना हुआ है सारा, तो वहां पर। और ये उसके बाहर का एरिया था जितना भी अभी हमने घूमा, तो काफी ज्यादा काफी बड़े एरिया में ये बना हुआ है ओवरऑल पूरा बाग जो है। और यहाँ पर अब बहुत ज्यादा पेड़ लगा दिए गए हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो गई है, और बारिश के टाइम पे भी गए हैं तो इस वजह से और ज्यादा लग रही है। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग एंटर करने वाले हैं। बस एक चीज इसकी नहीं बदली है तो वो ये वाला गेट है जिससे हम लोग एंटर करेंगे, क्योंकि ये गेट पहले भी ऐसा ही था, गोल गोल घूम के जाना पड़ता था, और अभी भी वैसे ही गोल गोल घूम के जाना पड़ता है। मतलब आपको ना वेट करना पड़ता है थोड़ा सा, और एक तरह से सही भी है क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं, तो अगर लोग हड़बड़ी में एंटर करेंगे तो उनको चोट भी लग सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये देखिए यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं जो डांस प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका शायद वीडियो भी शूट हो रहा है, तो ये भी शायद कंटेंट क्रिएटर ही होंगी। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, काफी ग्रेसफुल था, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोग अब इस साइड पे जाएंगे जहाँ पर ये पूरा बना हुआ है, ताकि यहाँ पे क्लोज यू नो फोटोशूट और वीडियोज हम लोग ले सकें। तो आप भी देखिए। पूरे वीडियो में आपको मैं थोड़ी सी डल डल और बार बार पसीना ऐसे पोंछती हुई नजर आऊंगी। उसका रीजन ये है कि संडे था और उस दिन ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज्यादा वाली गर्मी थी ना कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और एक भी ना पत्ता नहीं हिल रहा था कि हवा चल रही हो तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। बहुत ज्यादा गर्मी थी, और इतनी ज्यादा गर्मी में ना ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे भीड़ भी ज्यादा हो, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही है, ग्रीन तो भले था इतना लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो बहुत ज्यादा उमस लग रही थी, जिसकी वजह से मैं आपको कई शॉट में यू नो ऐसे पसीना पोंछती हुई नजर आ जाऊंगी। तो जब भी आपको जाना हो खुशरूबाग तो आप
ऐसा दिन देख के जाइएगा जैसे जिस दिन ज्यादा हवा चल रही हो, और मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो हवा तो अच्छी चल रही हो, उस टाइम पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ऐसे मौसम में जाएं जहां पे एकदम हवा भी नहीं चल रही है, बादल भी है और बारिश भी नहीं हुई है, तो प्लीज मत जाइएगा, एकदम उमस में आपकी हालत खराब हो जाएगी। बच्चों के साथ पिकनिक पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इतना स्पैन एरिया में पूरा बना हुआ है, ग्रीन ग्रासेस बनी हुई हैं, बुशेज है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, जो डिज़ाइन वाले बने हुए हैं, इनसे थोड़ा दूरी रहिएगा, इसमें मधुमक्खी रहती है बहुत सारी वो भी। उसको मेंटेन कर दिया है तो और ज्यादा सुंदर हो गया है। हाँ ये तो है, जब हम आए काफी थे पहली बार तो तब इतना कुछ नहीं बना था, अब बहुत कुछ बने। पूरा ग्रीन हो गया है, काफी सारी चेयर्स लग गई है और बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव हो गई है पहले से अब। तो अब घूमने में ज्यादा मजा आता है, और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं मुझे लगता है इलाहाबाद में, वो दो तीन जगह पे स्पेसिफिकली जाते हैं, और वो है सबसे पहला खुशरोबाग कंपनी गार्डन, और ऐसी जो हमारे मेन मेन है ना यहीं पे जाते हैं। और खुशरोबाग में मुझे अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। पता है आपको, जब भी आप खुशरोबाग जाइए ना तो अपनी गाड़ी हमेशा किसी से पूछ के सही जगह पे खड़ी करिएगा, क्योंकि जब हम लोग आए थे उस दिन और हमारी गाड़ी जो है वो टो हो गई थी, पुलिस जो है हमारे साथ की जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी इंक्लूडिंग मेरी उठा ले गई थी, फिर हमें पैसे पे करके अपनी गाड़ी निकालनी पड़ी थी, तो बहुत ज्यादा क्योज हो गया था। तो प्लीज किसी से पूछ के सही जगह पे गाड़ी लगाइएगा जब भी आप खुशरोबाग जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये। घर आते वक्त हमने खाया यहाँ पे रसगुल्ला, ये बहुत फेमस है इनका, यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा ही फेमस चल रहे हैं ये भाई साहब। फिर उसके बाद हम लोग गए लापिनोज पिज्जा, तो ये हमारे यहाँ पे नया खुला हुआ है अभी अभी, तो हम लोग बस ऐसे गुजर रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें पिज्जा खाना है, मैंने बोला नहीं, कह रहे अरे चलो खिला के लाता हूँ, मैंने कहा अरे वाह चलो ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, पहले आपको पे करना होता है, ऑर्डर प्लेस करना होता है, पे करना होता है, उसके बाद में जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो फिर वो आपको नाम लेके बुलाते हैं, जो भी जिस भी नाम से आपने ऑर्डर प्लेस किया होता है, फिर आप जाइए अपना ऑर्डर लेके आइए और फिर इन्जॉय कीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर है, सेल्फ सर्विस है, कोई वेटर आपको नहीं मिलेगा जो आपको लाके कोई भी चीज़ सर्व करेगा। तो ओवरऑल डेकोर बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत छोटी सी जगह में है बट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो मुझे तो ठीक लगा। और अब खाना आने के बाद पता चलेगा कि कैसा इनका पिज्ज़ा है। तो ये मेन पिज्ज़ा के ही मतलब मेन पिज्ज़ा का ही रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी का पिज्ज़ा मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी, पहला मेरा ये था कि इन्होंने अपना नाम पिज्ज़ा के बेसिस पे रखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इनका पिज्ज़ा ही ट्राई किया जाए। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ना एकदम मीडियम साइज़ मंगाया था, सॉरी रेगुलर साइज़ मंगाया था, तो इसमें हम लोगों को ये पिज्ज़ा रिसीव हुआ है। देखिए आप, ये शायद चीज़ क्रस्ट है और उसके साथ ये कोल्ड ड्रिंक मिली है, मतलब हमने ऑर्डर की थी इसको, उन्होंने पूछा था कि स्पेसिफिक आपको कोई ड्रिंक चाहिए क्या, तो ड्रिंक अगर आपको लेनी हो यार तो उनके पास कोको कोला माजा ये सब चीज़ों का भी ऑप्शन रहता है, तो आप प्लीज़ वो ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हैं, जो मैंने ऑर्डर किया था उसका टेस्ट आपको मेरे मुंह से समझ आ रहा होगा कि कितना गंदा था। तो
इसकी पैकेजिंग ना, ये जो ड्रिंक थी ये शायद वर्जिन मोजीतो था, तो इसकी जो पैकेजिंग थी वो इतनी खराब थी कि मैंने, अगर नीचे से ग्लास पकड़ रही हूँ ना तो जो भी उसके अंदर जूस है वो बाहर ऊपर से आ जा रहा है, ऊपर से पकड़ रही हूँ तो वो कैप मेरे हाथ में आ जा रहा है, इतनी गंदी पैकेजिंग थी। तो मतलब इंसान पिएगा कैसे यार। और जो पिज्जा था वो भी ओके ओके था। तो ये था हमारा संडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।